हाजरीन आइए अब महफिल का आगाज किया जाए। हम अपनी इस तरह की महफिलों का आगाज उस ज़ाते मुकद्दसा का जिक्र बुलंद करके किया करते हैं कि जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर वरफाना लक जिक्रक फरमाकर हमेशा के लिए बुलंद कर दिया है। आइए इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सरवरे कौनैन ताजदारे मदीना मोहसिन इंसानियत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नातिया शायरी के वसीले से बुलंद करते हुए महफिल का आगाज किया जाए, जिसके लिए मैं हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर आप सबके चहीते जनाब अली बाराबंकवी को आवाज़ सुखन दे रहा हूँ। इन चार मिसरों के साथ के किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, किरतास के चेहरे पर एक लफ्ज लिखा मैंने, उस लफ्ज की खुशबू से किरतास मुअत्तर है, उस लफ्ज की किरणों से किरतास मुनव्वर है, वो लफ्ज मुकम्मल है, वो लफ्ज मोहम्मद है। बहुत अदब व एहतराम के साथ अदब को मलहूज रखते हुए नातिया शायरी समाप्त कीजिए माइक पर जनाब अली बाराबंकवी महफिल का आगाज करने के लिए। हाजरीन महफिल डाइस पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह आप लोग बेदार हैं। नाते पाक का हुक्म हुआ है, एक मतला और दो तीन शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समात फरमाए। हेलो, कितना प्यारा कितना प्यारा क्या कहना, जहां जो भी लफ्ज समझ में आए आप अपनी दुआओं से नवाजिएगा। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह के हाजिर करता हूँ समाअत फरमा। कितना प्यारा कितना प्यारा कितना दिलकश चेहरा था सरकार का। क्या कहना क्या कहना, चेहरा था सरकार का। कितना प्यारा कितना प्यारा कितना दिलकश चेहरा था सरकार का। चेहरा था सरकार तशरीफ रखते हैं और एक शाहिद भाई और हैं जो कि होटल से यहाँ तक मुझे लेके आए वो रिजवान बिल्डर साहब। एक शेर पढ़ता हूँ डाइस पे तमाम मोतबर शख्सियत जी इरशाद आली। आमिना सरकार का मेरा कोई मेरा कोई उम्मती दोज़ख न जाए इसलिए मेरा कोई उम्मती दोज़ख न जाए इसलिए दोज़ख न जाए इसलिए मेरा कोई उम्मती
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दसरे तो सरकार का, दसरे तो सरकार का, होके उम्मत के बहत्तर टुकड़े खुद फरमा दिया। बहुत अच्छे। टुकड़े खुद फरमा दिया, सकता दुनिया में कहा सरकार का। सुभान अल्लाह। और आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए जी इरशाद अली। हाँ कहा सरकार का, चूमते थे चूमते थे अमी। क्या कहना क्या कहना। तलवे को जिब्रीले अमी, चूमते थे चूमते थे चूमते थे बादब। तलवे को जिब्रीले अमी, तलवे को जिब्रीले अमी, बहुत अच्छे अली जिंदाबाद। क्या कहना क्या कहना। ये थी अजमत और ये था मरतबा सरकार का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की। खुदा दा दामने तौहीद में आबाद होने की। मोहम्मद से मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आप सब इश्क नबी में डूब कर नातिया शायरी समात कर रहे थे। अपनी शायरिया नातिया शायरी के वसीले से जनाबे अली बाराबंकवी मोहसिन इंसानियत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी सफात बयान कर रहे थे। और हम सब ये सोच रहे थे कि बहुत आए मुदब्बिर भी मुफक्किर भी मुअल्लिम भी, मगर आया तो एक उम्मी लकब दुनिया के काम आया। यकीनन दुनिया के काम अगर कोई शख्सियत आई तो वजह तखलीकुल कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। और जिनका अकीदा ये है कि उकबा में भी उन्हीं की शख्सियत काम आएगी तो यकीन जानिए वही शाफे महशर होंगे, वही हमारी शफायत भी इंशाअल्लाह ताला करवाएंगे। जनाब अली बाराबंकवी ने नातिया शायरी से महफिल का आगाज कर दिया।